कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खून की दलाली वाले बयान पर सियासी घमासान तेज हो गया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज राहुल के बयान की निंदा करते हुए इसे देश का अपमान बताया। अमित शाह ने कहा कि राजनीति के लिए तमाम मुद्दे हैं, लेकिन इन लोगों को हल्की बातों को कहने से बचना चाहिए। उन्होंने सीधा सवाल करते हुए पूछा कि क्या राहुल ने दलाली शब्द का इस्तेमाल सेना के लिए किया है। शाह ने कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं की समझ आलू की फैक्ट्री तक सीमित हो चुकी है। उन्हें अब ये समझ में नहीं आता कि गंभीर विषयों पर किस तरह से बात रखनी चाहिए। इसके साथ ही शाह ने केजरीवाल पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये लोग सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सेना ने अच्छा काम किया है, लेकिन विपक्षी दलों के लोग सेना की भावना पर सवाल उठा रहे हैं। शाह के बयान के तुरंत बाद ही कांग्रेस ने शाह पर पलटवार किया। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि जिनके खिलाफ मर्डर के केस हो, जिन्होंने जेल की हवा खाई हो, वो बताएंगे कि राहुल जी के मूल में खोट है। सिब्बल ने कहा कि कांग्रेस ने कभी जवानों पर राजनीति नहीं की। ये कहते हैं कि सेना ने पहली बार LOC क्रॉस किया, लेकिन ये 1965, 71 और 99 भूल गए। कांग्रेस के समय में कई सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के CM केजरीवाल ने भी राहुल गांधी के बयान की निंदा की है। तो सीमा पार हुई सर्जिकल स्ट्राइक को भले ही एक हफ्ता हो चुका हो, लेकिन देश में नेता एक दूसरे पर सर्जिकल स्ट्राइक करने से बाज नहीं आ रहे हैं। देखते रहिए TV Live।